भाई ऊपर भले ही इलेक्ट्रिक दिख रहा है, टीवीएस यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन बात करेंगे इस बाइक की जो कि इलेक्ट्रिक नहीं है। ये है टीवीएस की 310। अब ये आरटीआर 310 पर बेस्ड है, स्मोक्ड गैराज ने बनाई है, जिसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रंट में आपको ट्विन डिस्क मिल जाएगी, टायर प्रॉपर स्पोर्टी टायर मिल जाता है, रेस ट्रैक वाला, अलॉय व्हील चेंज कर दिया गया, डिजाइन चेंज कर दिया है, अपसाइड डाउन फ्रंट फॉक मिल जाता है 43 mm डायमीटर के साथ। हेडलाइट नहीं, आपको हेडलाइट क्या भाई, इसके अंदर है एलईडी है, प्रॉपर बढ़िया सी आपको देखने को मिल जाती है। एडजस्टेबल है ये सस्पेंशन, रिबाउंडिंग और कंप्रेशन आपको मिल जाते हैं, हैंडल भी एडजस्टेबल है, आप आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो। स्विचेस वगैरह में कोई बदलाव नहीं किया है, सिलेंडर हेड आपको यहाँ पर लगाया गया, ब्रेक वगैरह के लिए, ब्रेक ऑयल वगैरह के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्विचेस वगैरह में कोई बदलाव नहीं है। सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी कोई बदलाव नहीं है। टैंक आप यहाँ पर देख सकते हो, ट्रिकस्टर इस बाइक का बेसिकली नाम है, ट्रिकस्टर। अब ट्रिकस्टर नाम है, 310 यहाँ पर लिखा गया है। सीट सिंगल है, कुछ इस तरीके की है स्टैंड वगैरह बनाने के लिए। यहाँ पर टैंक देखोगे तो टैंक आर पार है भैया, इस बंदे की शक्ल भी दिख रही है, यहाँ से हाथ भी डाल सकते हो ऐसे, और यहाँ अगर कुछ रखना वगैरह तो वो भी आप रख सकते हो। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग स्टंट वगैरह करते हैं ना, तो उनके लिए कुछ इस तरीके से ये डिजाइन की गई है। यहाँ पर देखो प्रॉपर आपको पैर वैर रख के वीली वीली मारनी हो तो वो मार सकते हो, यहाँ पर भी आप रख के जो भी स्टंट वगैरह जिस तरीके से करने हैं वो आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये नुकीले से फुटरेस्ट दिए गए हैं ताकि आपके पैरों की पकड़ ना, ग्रिप है ना, वो बढ़िया रहे। चेन बदली गई है और ये जो स्प्रॉकेट है ये पूरा का पूरा बदला गया है और ये एल्यूमिनियम का बेसिकली नज़र आ रहा है। टायर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी चौड़ा, काफ़ी बड़ा टायर मिल जाता है। और साथ ही पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लाइट आपको देखने को मिल रही होगी, ये है एलईडी टेल लाइट, और यहीं पर ये एग्जॉस्ट आपको मिल जाता है, जिसका एग्जॉस्ट नोट बहुत ही बढ़िया है, सुना तो हम नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ यहाँ टायर देखो भाई 17 इंच के काफ़ी बढ़िया ज़बरदस्त टायर आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनका साइज़ आप देख रहे हो भाई, ये बढ़िया सा आपको रियर ब्रेक मिल जाता है। और इस ये कंपनी है टॉकिको करके कोई कंपनी है, टॉकिको यहाँ पर दिख रहा है। ये आपको ट्विन कैलिपर्स देखने को मिलते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ोगे, आपको डुअल चैनल लेबियस तो मिल ही जाता होगा। आपको ये जो मोनोशॉक मिल रहा है ये भी आपको एडजस्टेबल मिल जाता है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये मेटल का इस्तेमाल किया गया है ताकि बढ़िया करके मेटल, ये कुछ रस्से सी बांधी गई है ताकि डिज़ाइन तो बढ़िया लगे साथ ही हीटिंग की दिक्कत भी उतनी ज़्यादा ना हो। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेव हैंडल, ये स्टंट वगैरह के लिए बेसिकली, ट्रिकस्टर यहाँ पर जगह जगह लिखा गया है, हर जगह आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये अपाचे का लोगो, ये यहाँ पर लिक्विड कूल्ड इंजन है, 310 वाला ही इंजन है सेम, जो कि आपको आरटीआर 310 में देखने को मिलता है। राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, मल्टीपल राइडिंग मोड्स ऑब्वियसली बात है इसमें भी मिल ही जाएंगे। बाकी आप बताओ आपको ये ट्रिकस्टर कैसी लग रही है, जो कि स्मोक्ड गैराज ने बनाई है, बहुत ही ज़बरदस्त है।